महान नायक यानी कि अमिताभ बच्चन। आज उनका जन्मदिन है और अमिताभ बच्चन आज हो गए हैं 77 ईयर्स के। अमिताभ बच्चन के इस खास जन्मदिन के मौके पर फैंस की भीड़ देखी जा रही है जलसा के बाहर। जलसा के बाहर साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से फैंस जो है अमिताभ बच्चन के जन्मदिन को सेलिब्रेट उनके घर के बाहर करते देखे गए। मगर यहां पर एक ऐसे फैन को देखा गया जो दिव्यांग थे, मगर उसके बाद भी अमिताभ को वो एक नायाब तोहफा देना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन के लिए वो इतना बेशकीमती तोहफा लेकर आए हैं जिस तोहफे को देखकर यकीनन ही आप सभी हैरान हो जाएंगे। और ये दिव्यांग फैन धूप में जलसा के बाहर खड़ा रहा और अमिताभ बच्चन की एक झलक के इंतजार के लिए उन्होंने घंटों यहाँ पर इंतजार भी किया। लगातार यहाँ पर फैंस की भीड़ जलसा के बाहर देखी जा रही है। जलसा के बाहर जो है साफ तौर पर देखा गया कि हर एक फैन अमिताभ बच्चन की फिल्मों की तरह ही यहाँ पर उस किरदार में देखा जा रहा है। अमिताभ बच्चन को लेकर एक फैन ने तो बर्फ में 77 नंबर तक बना दिया। गाड़ियों में यहाँ पर सजावट देखी जा रही है जो अमिताभ बच्चन के घर जलसा के बाहर से गुजर रही है। कहीं ना कहीं इंसान अपनी जिंदगी में प्राप्त क्या करता है ये उसके जन्मदिन पे पता चलता है कि जब आपको लोग जो है बधाई देते हैं और जब जलसा के बाहर इस शानदार भीड़ को देखा गया, इस दिव्यांग फैन को देखा गया, इनके जज्बे को देखा गया, तो यकीनन ही अमिताभ भी यहाँ पर भावुक हो जाएंगे अपने इस दिव्यांग फैन के तोहफे को पाकर। और जिस तरीके से जितनी शिद्दत के साथ वो उनका इंतजार कर रहा है उसे हमारा भी सलाम है। किस तरीके से जलसा के बाहर फैंस ने अमिताभ के जन्मदिन को मनाया, आप देखिए हमारी ये खास वीडियो। हाँ, हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है। हम सूरत से रात को आए हैं और तभी से यही है। और सर को ये मनोज भाई ने मुँह से पेंटिंग जो बनाया है सर का, वो एक साल से बनाया हुआ है, वो सर को गिफ्ट करना है। आज वो गिफ्ट करने के लिए हम वेट कर रहे हैं, बहुत ही एक्साइटेड है हम। और सर को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मोहब्बत है। मैं मनोज भिंगारे, माउदिन फूड पेंटिंग आर्टिस्ट। आज इस सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है, और क्या कुछ बताना चाहेंगे आज आपने उनके लिए पेंटिंग भी लाया है? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनको मिलने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी समय से पेंटिंग बनाया हुआ है और बहुत वेट कर रहा हूँ मैं कि मैं ये पेंटिंग और मेरी कला का जो थोड़ा सा जो ये है वो मैं उन तक पहुंचा पाऊँ। तो आज जन्मदिन के मौके पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कल्पेश भाई, मैं, मेरे पिताजी और भद्रेश भाई, और हमारा जो ग्रुप है सूरत में जो हैंडीकेप ग्रुप है दिव्यांगों का, वो सभी में अपने आप में कुछ खासियत है। और मैं ये पेंटिंग देने के लिए बहुत ही मतलब कब से ये वेट कर रहा हूँ, और ये पेंटिंग देने के लिए अगर मुझे मिलता है तो बहुत ही बड़ा दिन होगा मेरे लिए और बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, वेलकम। हर कोई को होगी बच्चन जी से मिलने की, अल्हम्दुलिल्लाह वही लेकर के आया हूँ बच्चन जी से मैं मिलूँ। आप से जानना चाहूँगी आप कहाँ से आए हैं? मैं सूरत से आया हूँ। यही कि वैसे बच्चन जी दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा मूर्ति जैसे बने हुए हैं और वो रहेंगे ही, तो और भी उनका आयुष्य लंबा हो और बहुत सारे लोगों को उनके जीवन से प्रेरणाएं मिले, यही मेरी उनके बहुत बहुत बधाई है। आपने कहा कि
और उनके जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। बच्चन जी की तो अब क्या क्या बताएं, एक से बढ़कर एक रही है और मैं तो हमेशा उनकी जो जो है पसंद कभी कभी झलके देख लिया करता हूँ। उनके इनकी फिल्मों से एक इंस्पायरमेंट मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई एक अपने अंदर जुनून भी रखो, खुददार है, भले वो एक रियल रोल होता है लेकिन उनके अंदर एक ये रहता है कि भाई आप अपने अंदर एक खुमारी रखिए, अपना जो स्वाभिमान है वो कभी मत खोइए। जो बच्चा जो स्टार्टिंग की उनकी दीवार जंजीर ये जो रही है उसके अंदर जो रोल दिया है वो मतलब समझो कि वो चीज़ें बचपन से लेकर जो दिमाग पे बसी हुई थी वो आज तक लगी रही है। बस उनकी तंदुरुस्ती सलामत रहे और बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाएँ है और बहुत सारी दुआएं है। हाँ यार मैंने बना है, हम लोग कोल्हापुर से आए हैं, मैं और बेटा, मेरा बेटा रोहनी चौगले, हम दोनों कोल्हापुर से आते हैं। हर साल हम यहाँ पे आकर कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछले साल हमने यहाँ पे बिग बी बनाया था और उससे पहले 75 बनाया था। अमित जी ने हमको बहुत कुछ फिल्मों के द्वारा दिया है, हमें भी लगता है कि उनके लिए हम भी कुछ करेंगे। अब ये पूरा खर्चा हम लोग करते हैं मेरी तरफ से, क्योंकि बाबा चलो ये नई जनरेशन है, अमिताभ जी अभी तक इनका 77 ये चल रहा है फिर भी अभी तक काम करते हैं, बहुत एनर्जी इनके पास। और हम ये बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनसे कुछ तो सीखे कि ये 77 ईयर में भी इतने यंग लगते हैं। और अपने जो अभी के नौजवान है अमिताभ से ये लोगों ने इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अमिताभ जी को इस साल ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, मेरी ऐसी दुआ है कि ये देश का, भारत का सबसे बड़ा सम्मान जो है भारत रत्न पुरस्कार अगले साल मिले, ये मैं भगवान से दुआ करता हूँ। थैंक यू।